वो वियर गिल्स आया था, वियर गिल्स भारत में आया था, जंगल सफारी में हमारे मोदी जी के साथ में घूमा था, टेलीविजन ने पूरे विश्व में दिखाया वियर गिल्स के साथ में मोदी जी घूम रहे हैं। अचानक वियर गिल्स ने देखा कि एक खूंखार शेर जंगल में आ गया। वियर गिल्स ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी अगर खूंखार शेर जंगल में आ जाए तो आप क्या करोगे। मोदी जी उठे, शेर के पास गए, शेर के कान में कुछ कहा, शेर ने सुना और शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया इससे। बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा था कि पंजे फटकार के धाड़ता क्या है, माने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले। ताली कम है आपकी, पीछे तक बजा, पीछे तक बजा आप तालियां वालियां, थोड़ा सा उत्सव बनाओ उसको। रामेश्वर जी ने इतनी सारी मेहनत की है तो उसको उत्सव बनाओ। मैं व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ, व्यंग में कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए, बात वही है जो वहां तक पहुंच जाए। कसते हुए तरारा कंज, कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा कहो क्या हालचाल है मिस्टर हबीबगंज। तालियां बजाना, पकड़ना जरा बात जो कहने जा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा कहो क्या हाल है मिस्टर हबीबगंज, सरकार से नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बन के कैसा फील कर रहे हो। अरे वाह 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 वाह, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हो जय हो जय हो। ये हास्य रस पे भी भारत माता की जय कर लेती है, इसके लिए वीर रस की कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भारत माता की जय ही करने बैठे हुए। कसते हुए करारा तंज, मैंने कहा कहो क्या हलचल है मिस्टर हबीबगंज, सरकार से नई नई डील कर रहे हो, रानी कमलापति बनके कैसा फील कर रहे हो। होठों ही होठों में बुदबुदाते हुए एक भद्दी गाली, हबीबगंज ने कुर्ते की जेब में अपनी जालीदार टोपी संभाली। हिंदू राष्ट्र की स्थापना ऐसे भी हो जाती है हंसते खिलखिलाते। जय जय श्री। होठों ही होठों में बुदबुदाते हुए भद्दी गाली, हबीबगंज ने कुर्ते की जेब में अपनी जालीदार टोपी संभाली और बोले भाई साहब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज धर दिया है, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है, लोग खुश हो रहे हैं, मोदी आ गया है, सारा टेंडर बदला है, मैं कहां जाके रोऊं, मेरा तो जेंडर बदला है। तो ये अखंड राष्ट्र की स्थापना हो गई। लेकिन आप देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार अच्छे काम करती है, सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए। आप हबीबगंज स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको लगेगा जैसे एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। ये मस्ती है, ये सब आनंद के क्षण है। कभी आपको सारी रात ये गिनाते रहेंगे, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, ये अजीब हस्ती है हमारे देश की। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, पार्टियों के वक्ता प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। इस देश में कितने भी लोग आए, कितने भी आताताई आए, इस देश की हस्ती नहीं मिटती है। ये देश कल भी जिंदाबाद था, ये देश आज भी जिंदाबाद है, और ये देश कल भी जिंदाबाद रहना है। इस देश में अगर कुछ बिगड़ा है तो भोपाल के लोगों, केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं। मैंने अपने आप में अगर सुधार लाना शुरू कर दिया, देश अपने आप सुधरने की प्रक्रिया में आ जाएगा। और इसलिए आ जाएगा, इसलिए इन ऐसे कार्यक्रमों का हमें इस्तकबाल करना चाहिए कि ये कार्यक्रम इस देश के सुधार की प्रक्रिया में है। मैं तो व्यंग का विद्यार्थी हूं, हंसने हंसाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आप जरा दृष्टि खुली रखो, हंसी आ जाती है गुरुजी। व्यंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, मैंने हिंदू को का चेहरा लगाया
तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा, बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा, आखिरी में मैंने खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। ये हमारा नैतिक चरित्र है, इसका आनंद लो। आनंद के क्षण तो कहीं भी मिल जाते हैं। मुझे याद है शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे, अचानक पत्नी को देखकर एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। सब नहीं बजाओगे तब तक हाथ नीचे नहीं आएगा। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। औरत ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही 5 का नोट निकालने को हुई तभी उसके पति ने उसे डांटा, बोले इसे 5 रुपए नहीं पूरे, इसको 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। इधर के लोग भी जरा तालियां मालियां बजाओ, बैठ नहीं आए हो क्या? तुम भी जरा उधर से भजन करो, काम करो, लगना चाहिए। ये पीछे बैठे हैं, तुम्हारे हाथ किसी अन्य काम में व्यस्त ना हो तो तुम भी बजाओ जरा। आनंद से रहिए, ये आनंद उत्सव है, आनंद करिए, इसमें आनंद का काम है। समझ में आया आपकी व्यंग? अच्छा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। जहां मेरी दृष्टि गई है और जो इशारा किया है, बस उस इशारे पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। समझ जाओ तो दोनों हाथ उठाकर मुझे बताना। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी, एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है, इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहां हैं। ताली कम है आपकी, समझ गए ना? अच्छा, नहीं समझो तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मैं आपको समझाऊंगा व्यंग क्या है, फिर मैं कविता पाठ करूंगा। महिलाएं बैठी हैं, जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और वाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। और ये जो लोग कह रहे हैं कि बदलाव, लोगों के आने से बदलाव दिखता है, हमने इस लोकतंत्र में वो दृश्य देखे हैं काले अध्याय। और एक जुमला आपकी अदालत में रखता हूं, मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग है, अगर भोपाल इसका इशारा नहीं समझा तो मैं समझता हूं फिर धरती पर ये इशारा कोई नहीं समझ सकता। और समझ जाओ तो जिस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के 71 साल के गाल पर अगर मैंने तमाचा दिया है तो उसकी गूंज मैं यहां सुनना चाहता हूं। रात्रि को तीन बजे ये बदलाव आया हमारे देश में। रात्रि को 3 बजे कभी सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी से कहा, मुझे खाना परोस दो। वो बोली, अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। समझ गए ना आप लोग व्यंग की भाषा? आनंद से रहिए, इस देश में खूब आनंद का है, परम धाम है, लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। अंग्रेज आकर के मथुरा वृंदावन में हारमोनियम बजा रहे हैं, अवध में आकर के अमेरिका के लोग राम धुन कर रहे हैं, तो इस देश में कुछ ना कुछ तो है। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा, एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। लेकिन मस्ती रहिएगा, सब चलेगा,
मेरी तो कुंडली में ही लिखा है, कोई फोटो खींचेगा, कोई ये करेगा, कोई चाय पिएगा, कोई बीच में कूदेगा, ये सब क्रम चलता रहेगा। इस मानसिकता को सलाम करता हूँ भोपाल वालों, और मेरी एक जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग इसी हालात पर आप संभालो कि सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी, यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सीक्वेंस देखिए आप, व्यंग देखो, व्यंग अगर आप तक पहुंचे, गंजना के बड़े शिरोमणि हमारे सत्तन जी बैठे हैं, उनके चरणों में हाजिर करता हूं कि सिगार की सिस्टर, सिगरेट की साली, चिलम की बुआ, हुक्के की घरवाली, धूम्रपान की सबसे पुरानी पीढ़ी, यानी कि बुझी हुई बीड़ी। सिनेमा हो या जेल, पैसेंजर हो या मेल, अस्पताल हो या कचहरी का कोई कोना, बड़ा कंपलसरी होता है इसका होना। ससुरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार की तरह फैली है, समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है। वाह वाह वाह, समझ में नहीं आता कि ये बीड़ी है या युवक कांग्रेस आई की रैली है। ना जाने कब की बुझी बुझाई, पढ़े लिखे लोगों जुड़ना मुझसे, ना जाने कब की बुझी बुझाई, एक रिक्शे वाले ने बीड़ी सुलगाई रेलवे पुल के नीचे, जैसे ही उसने दो चार कश खींचे और घुमाया अपने रिक्शे का पहिया, मैंने कहा भैया तू वैसे ही दिन भर वजन ढोता है, पता है बीड़ी पीने से कैंसर होता है, लीवर कमजोर करती है, फेफड़े कर देती है खराब, उस पर अगर तू पीता होगा कहीं शराब तो देखना तू बहुत जल्दी अपनी आंखें मीचेगा, फिर रिक्शा का तेरा बाप खींचेगा। अरे बाल बच्चों की संभावनाओं पर जिया कर, तू दूध नहीं, तू बीड़ी नहीं, दूध पिया कर, पसीने से तरबतर। रिक्शे वाला बोला सर जब मयसर नहीं है दो वक्त के निवाले, अरे दूध क्या पियेंगे हम रिक्शे वाले, किराए का रिक्शा महाजन का सूद, ऊपर से पी लें अगर हम दूध तो भाई साहब भूख हमारे झोंपड़ों को कुतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी, अच्छे खासे रिक्शे की चैन उतर जाएगी। वाह वाह, जीते रहो जीते रहो। वाह।